हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है एमएस ट्वेल्थ इंस्टीट्यूट में। आज जो हम लोग क्लास करने वाले हैं वो क्लास ट्वेल्थ के बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारे 2024 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये जो क्लास होने वाली है, आज हम लोग का चैप्टर नंबर 13 होने वाला है, जिसका नेम है जीव और समष्टियाँ। तो ये जो हम लोग क्लास करेंगे, आप लोग जो है इसे बिल्कुल मिस ना कीजिएगा, क्योंकि इसमें जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, मोस्ट VVI क्वेश्चंस आएंगे। तो आप लोग जब इसे कर लीजिएगा तो आपके एग्ज़ाम में जो है 70 में से 70 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। इसे पढ़ने के बाद जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको पूर्णतः क्लियर हो जाएंगे, एक भी ऐसा क्वेश्चंस नहीं रहेगा कि जो आपसे छूटे। आप जो है 70 में 70 मार के आ जाइएगा, लेकिन आपको 70 में मारना नहीं, आपको बस 35 मारना है। तो आपको जो है अच्छे से क्वेश्चंस को देख लेना है। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, मॉस का पौधा शुष्क वातावरण में अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर सकता। इसका हमें राइट आंसर बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन है यहाँ पे हम लोग का पानी की कमी के कारण, बी जो हमारा बाह निषेचन के कारण, और सी जो हमारा है पानी की अधिकता के कारण, और डी जो है इनमें से कोई नहीं। इसमें से जो है आपको राइट आंसर बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग जो है फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा होगा पानी की कमी के कारण जो है मॉस का पौधा जो है शुष्क वातावरण में अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर सकता है, इसीलिए पानी की कमी के कारण, क्योंकि ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे मरुद्भिद्धि, जो मरुद्भिद्धि अनुकूलन का उदाहरण कौन सा है। इसमें हमें बताना है कि मरुद्भिद्धि अनुकूलन का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन है यहाँ पे हम लोग का मॉस, बी जो हमारा है जीनिया, और सी जो हमारा है गुलाब, और डी जो हमारा नागफनी। इसमें आपसे हमें राइट आंसर बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग जो है फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए कि क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हम लोग का नागफनी, इसका डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का यहाँ पे पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं। इसमें हमें राइट आंसर बताना है जो कौन से पौधे होते हैं जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन है यहाँ पे हम लोग का हाइड्रिला, बी जो हमारा है ट्रापा, और सी जो हमारा है नीलम्बो, और डी जो हमारा है बबूल। इसमें हमें राइट आंसर बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग जो है फटाफट से राइट आंसर बता दीजिए कि राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बबूल जो है राइट आंसर हो जाएगा। जो देखा है वो आपने, बबूल का जो पेड़ है जलीय वातावरण में नहीं पाया जाता, ये सूखे ज़मीन में पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये पौधा नहीं है वैसे, पेड़ ही है, बबूल का पेड़ होता है। यहाँ पे हम लोग का फोर क्वेश्चन है, अधिक लवण सांद्रता वाली क्षारीय मृदा में उगने वाले पौधे होते हैं, उस पौधे को हम लोग क्या कहेंगे ये बताना। ऑप्शन है यहाँ पे मरुद्भिद्धि कहेंगे, बी जो हमारा है लवणोद्भिद्धि कहेंगे, और सी जो हमारा शैलोद्भिद्धि कहेंगे, और डी जो हमारा जलोद्भिद्धि कहेंगे। इसमें हमें राइट आंसर बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग जो इसका आंसर बता दीजिए कि क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का लवणोद्भिद्धि, और बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का यहाँ पे, जब जन्म दर मृत्यु दर के बराबर है तब यह क्या कहलाता है। ऑप्शन हमें देख लेना है यहाँ पे, ऑप्शन क्या है। फर्स्ट जो ऑप्शन है हम लोग का यहाँ पे प्लेटने अवस्था, और बी जो हमारा है वो एक्सोनीय सीलिया अवस्था, और सी जो हमारा है प्रारंभिक वृष्टि अवस्था, और डी जो हमारा त्वरण अवस्था। तो इसमें आपको राइट आंसर बताने के राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का प्लेटले अवस्था, ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे, कौन सा पौधा मैग्रोव क्षेत्र में पाया जाता है। तो मैग्रोव क्षेत्र में कौन सा पौधा पाया जाता है। ऑप्शन ए हम लोग का राइजोफोरा, और बी जो हमारा बबूल, और सी जो हमारा चीड़, और डी जो हमारा है टेक्टोना। इसमें से हमें राइट आंसर बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राइजोफोरा, जो है मैग्रोव क्षेत्र में पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का यहाँ पे, वायु द्वारा स्थानांतरित मृदा होती है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन है यहाँ पे हम लोग का एलुवियल, बी जो हमारा है गैलूसिया, और सी जो हमारा है कोलवियन, और डी जो हमारा है यूओलिन। इसमें हमें राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। डी जो है वायु द्वारा स्थानांतरित मृदा होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, आबादी के अध्ययन में किन कारकों को का ध्यान जरूरी है, किन कारकों का ध्यान जरूरी है ये देखना है। ऑप्शन है यहाँ पे सदस्यों की संख्या तथा प्रकार, बी जो हमारा निश्चित क्षेत्र और या फिर प्रकार, और सी जो मेरे को निश्चित समय, और डी जो मेरे से सभी। इसमें हमें राइट आंसर बताने की क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सदस्यों की संख्या तथा प्रकार भी हो जाएगा, और बी जो मेरा निश्चित क्षेत्र या फिर प्रकार, और सी जो मेरा निश्चित समय। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे, अंतरजातीय प्रतियोगिता के चलते एक ही जाति के जीव एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं, इस क्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन यहाँ पे पृथक्करण, बी जो हमारा समूहीकरण, और सी जो हम लोग का यहाँ पे समरूप वितरण, और डी जो हमारा है एकत्रीकरण। इसमें हमें राइट आंसर बताने की, राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग इसका राइट आंसर बता दीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हो जाएगा पृथक्करण, हो जाएगा पृथक्करण इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग का, चरण समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है, जो चरण समुदाय होता है वो किस क्षेत्र में पाया जाता है। ऑप्शन है हमारा संतुलित क्षेत्र में, बी जो हमारा है संक्रमण क्षेत्र में, और सी जो हमारा नग्न भूमि में, और डी जो हमारा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको जो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो चरम समुदाय की जो क्षेत्र मतलब किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, वो जो पाए जाते हैं है संतुलित क्षेत्र में। इसमें संतुलित जो संतुलित क्षेत्र है उसमें चरम समुदाय के पाए जाते हैं लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग का, मृदा में उपस्थित राइबोजियम जो राइजोबियम है अप्रत्यक्ष रूप से पौधों की आबादी में किस प्रकार की वृद्धि करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे हम लोग का नाइट्रोजन स्थिरीकरण मृदा के उर्वरता में वृद्धि का, और बी जो हमारा है कवक मूल द्वारा, और सी जो हमारा प्रतिजीविता द्वारा, और डी जो हमारा इनमें से कोई नहीं। इसमें राइट आंसर बताने का, राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का नाइट्रोजन स्थिरीकरण एवं मृदा के उर्वरता की वृद्धि जो है, ये जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा मरुद्भिद्धि है। ऑप्शन है जो हमारा कैपेरिस, बी जो हमारा है कमल, और सी जो हमारा चाइना रोज, और डी जो हमारा आलू। इसमें हमें राइट आंसर बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कैपेरिस, हो जाएगा कैपेरिस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हवा के वेग को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, जो हवा है उसको किस यंत्र द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन है यहाँ पे एनीमोमीटर, बी जो हमारा हाइड्रोमीटर, और सी जो हमारा इलेक्ट्रोमीटर, और डी जो हमारा फोटोमीटर। इसमें से हमें राइट आंसर बताने के, राइट आंसर क्या होगा। जो हवा है उसका वेग जो है किस यंत्र द्वारा मापा जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एनीमोमीटर जो है, इससे जो है हवा का वेग मापा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है। तो 11 जुलाई को कौन सा दिवस है ये बताना है।
ऑप्शन है यहाँ पे विश्व जनसंख्या दिवस, बी जो हमारा विश्व पर्यावरण दिवस, और सी जो हमारा तंबाकू निषेध दिवस, और डी जो हमारा है विश्व स्वास्थ्य दिवस। इसमें से हमें बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। जो 11 जुलाई को जो दिवस होता है वो विश्व जनसंख्या दिवस होता है। क्या होता है? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई का हो, ठीक है, ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आ गया हम लोग का। प्राणियों में शिकारियों से बचने की स्वाभाविक क्षमता होती है, गलत उदाहरण को चुनिए। इसमें से हम लोग को गलत उदाहरण चुनना है। ऑप्शन है यहाँ पे कैमिलोन में रंग परिवर्तन, बी जो हमारा पफर मछली में हवा खींचकर बड़ा कर, और सी जो हमारा सर्पों का विष, और डी जो हमारे मॉस मास में मेलेनिन। इसमें से हमें राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। तो जो शिकारियों से बचने के लिए क्षमता होती है, गलत उदाहरण जो है वो हो जाता है सर्पों का विष, ये जो है गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, ओजोन परत किस प्रकार की किरणों का जैवमंडल की रक्षा करती है। जो ओजोन परत है वो किस प्रकार किरणों को जैवमंडल से की रक्षा करती है, बताना है इसमें। ऑप्शन है यहाँ पे इंफ्रारेड किरणों से, बी जो हमारे अल्ट्रा वायलेट किरणों से, और सी जो हमारे एक्स किरणों से, और डी जो हमारे गामा किरणों से। आपको जो इसका राइट आंसर बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अल्ट्रा वाइट किरणों से जो है ओजोन परत किरणों का जैवमंडल की रक्षा करती है, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग का एबिसिनिया राइजोफोरा और एंट्री लेम्स है, ये क्या है। ऑप्शन है यहाँ पे जीरोफाइट, बी जो रहा है हम लोग का वो है हेलोफाइट, और सी जो हमारा हाइड्रोफाइट, और डी जो हमारा मिसोफाइट। इसमें हमें राइट आंसर बताने के राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग इसका राइट आंसर बता दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा हेलोफाइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग का अधिकतम ह्यूमंस की मात्रा पाई जाती है। जो सबसे ज़्यादा ह्यूमंस पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन है यहाँ पे सबसे निचली परत में, बी जो हमारे ऊपरी परत में, और सी जो हमारे मध्य परत में, और डी जो हमारे अभी जगह सामान पर। आपको जो इसका राइट आंसर बताना है, जो अधिकतम मनुष्य होते हैं यानी कि ह्यूमंस जो होते हैं किस मात्रा पर पाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे ऊपरी परत में। इसमें ऊपरी परत में जो है मनुष्य यानी कि ह्यूमंस पाए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा कवक मूल उदाहरण है। जो कवक है वो मूल उदाहरण है किसका, मूल उदाहरण है। ऑप्शन है यहाँ पे अपघटक का, बी जो हमारा अंत परजीविता का, और सी जो हमारा सहजीविता का संबंध का, और डी जो हमारा बाह परजीविता का। इसमें से हमें राइट आंसर बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी मुझे लगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सहजीवी संबंध जो है राइट आंसर हो जाएगा, सी जिसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर क्वेश्चन है हम लोग का, इनमें से कौन सा रसायन आबादी के जीवों के बीच संचार स्थापित करने में मदद करता है। इसमें भी राइट आंसर बताने की क्या होगा। ऑप्शन है यहाँ पर टाइलिन, बी जो हमारा एंजाइम, और सी जो हमारा फेरोमोन, और डी जो हमारा इनमें से कोई नहीं। इसमें से बताना है हमें कि जो रसायन आबादी के लिए जीवों से बीच जो संचार स्थापित करने में मदद करता है वो क्या है। तो वो जो हमारा है वो फेरोमोन है। क्या है? फेरोमोन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग का, किसी आबादी का स्वरूप निर्भर करता है। इसमें हमें राइट आंसर बताना है कि किस आबादी का स्वरूप जो है निर्भर करता है। ऑप्शन यहाँ पे है वितरण, बी जो हमारा घनत्व, और सी जो हमारा जातीय रचना, और डी जो हमारा इनमें से सभी। इसमें हमें राइट आंसर बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो वितरण भी जो है निर्भर करता है, घनत्व भी निर्भर करता है आबादी के लिए, और जातीय रचना भी निर्भर करता है। तो यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्या इनमें से सभी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग को, किन कारणों से आबादी सदा परिवर्तनशील होती है। किन कारणों के कारण। ऑप्शन है यहाँ पे भौतिक के कारण, बी जो हमारे जैविक के कारण, और सी जो हमारे ए बी दोनों यानी कि भौतिक और जैविक दोनों, और डी जो हमारा इनमें से कोई नहीं यानी कि भौतिक या फिर जैविक या फिर ए बी दोनों कोई भी नहीं होता है। तो आपको जो इसका राइट आंसर बताना है,
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि भौतिक और रासायनिक जो है सदा परिवर्तन होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे दिया हुआ है, प्रकृति में दो विभिन्न स्पीसीज के बीच अंतरजातीय अंतर्जनन क्यों संभव नहीं हो सकता, क्यों संभव नहीं हो सकता ये बताना है हमें। ऑप्शन यहाँ पे बायोलॉजिकल बाधाओं के चलते, बी जो हमारे पर्यावरणीय बाधाओं के चलते, और सी जो हमारे दोनों प्रकार के बाधाओं के चलते, और डी जो हमारे इनमें से कोई नहीं। इसमें से जो आपको राइट आंसर बताना है कि राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोनों प्रकार के बाधाओं के चलते, यानी कि बायोलॉजी बायोलॉजी के संबंध में बायोलॉजिकल, और यहाँ पे पर्यावरण बाधाओं के चलते, इसमें से यानी कि जो दोनों हैं राइट आंसर हो जाएगा कि दोनों बाधाओं के चलते जो है अंतरजातीय अंतर्जनन संभव नहीं हो सकता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर हम लोग यहाँ पे वह है, किस जाति के कार्य के क्षेत्र वाले आवास जो है इसका बनाता है, किस जाति के कार्य क्षेत्र वाले आवास इसका बनाता है, क्या बनाता है ये बताना है। तो इसका जो राइट मतलब यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ऑप्शन यहाँ पे है स्थलकृति, और बी जो हमारा पोषण स्तर, और सी जो हमारा है बाउंड्री, और डी जो हमारा है पर्यावरणीय निकेत। इसमें हमें राइट आंसर बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरणीय निकेत, क्या हो जाएगा, डी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग का वो है, अधिकतम वृद्धि दर पाई जाती है, जो अधिकतम वृद्धि दर पाई जाती है वो क्या होती है। ऑप्शन यहाँ पे लैग अवस्था में, और बी जो हमारा है एक्सपोनेंशियल अवस्था में, और सी जो हमारा स्थिर अवस्था में, और डी जो हमारा सेनीसेंट अवस्था में। इसमें से आपको राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा एक्सपोनेंशियल अवस्था में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग का, निम्न में से किस आवास में मृदा सतह का दैनिक तापमान अधिकतम है, बदलता है मतलब तापमान जो है अधिकतम बदलता है, ये बताना है कि किस आवास की मृदा की सतह पर। ठीक है, तो इसमें हमें देख लें ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ पे झाड़ी स्थल में, या फिर वन में, या फिर रेगिस्तान में, या फिर ग्राम स्थल में। तो आपको तो पता ही होगा जैसा कि, तो रेगिस्तान में जो है तापमान अत्यधिक बदलता है, क्योंकि वहाँ देखेंगे आप तो दिन में जो है बहुत ही ज़्यादा गर्मी रहेगी, और रात में ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा ठंड रहेगी। इसी के कारण वहाँ जो दैनिक तापमान है अधिकतम बदलता रहता है, कभी गर्मी तो कभी सर्दी रहती है, रात और दिन का बस फर्क रहता है। जो सुबह में बहुत ज़्यादा गर्म रहेगा वहाँ पर, और रात में जो बहुत ज़्यादा माइनस डिग्री में चल जाता है सेल्सियस में, ऐसा कुछ हो जाता है सीन वहाँ पर। तो रेगिस्तान जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे, विज्ञान जो अनुवांशिकी को पर्यावरण से जोड़ती है वो कौन सी विज्ञान है जो अनुवांशिकी को पर्यावरण से जोड़ती है। ऑप्शन यहाँ पे पारिस्थितिकी, और भी जो हमारा पारिकायिकी, और सी जो हमारा जीकोलॉजी, और डी जो हमारा अनुवांशिकी। तो इसका जो आपको राइट आंसर बताना है वो होगा हम लोग का जाइकोलॉजी। इसका जाइकोलॉजी जो है अनुवांशिकी को पर्यावरण से जोड़ती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, जलीय पौधों में कटी फटी पत्तियों होती हैं, जो जलीय पौधे में कटी फटी पत्तियां होती हैं कैसे होती हैं, सतही क्षेत्रफल कम करने के लिए होती हैं, या फिर सतही क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए, या फिर जल धाराओं का प्रवाह कम करने के लिए, या फिर डी जो है रंध्रों की संख्या को बढ़ाने के लिए। तो आपने देखा होगा जो कमल का पत्ता होता है वो थोड़ा बीच से कटा होता है, वो क्यों कटा होता है, क्योंकि वो जो जल धारा का प्रभाव जो है कम करने के लिए कटा होता है, कि मतलब जब जल थोड़ा सा ऐसे मतलब ऊपर आए तो जो फूल है वो अंदर मतलब दह ना जाए, बह ना जाए, ऐसा कुछ
इसी की वजह से जो है पत्ते, जो जलीय पौधे होते हैं उनकी जो पत्तियाँ होती है थोड़ी सी कटी रहती है, कटी फटी रहती हैं, ताकि जलधाराओं का प्रभाव कम पड़े। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग का मानव जनसंख्या का अध्ययन कर लेते हैं। जो हम लोग मानव जनसंख्या करते हैं, आपने भी देखा होगा, तो आप लोग के भी घर जनगणना वाले आते होंगे, तो मानव जनसंख्या के लिए ही जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि मानव जनसंख्या का जो अध्ययन कहलाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन है यहाँ पे साइकोलॉजी, बी जो हमारा है डेमोग्राफी, और सी जो हमारा है जो बायोग्राफी, और डी जो हमारा है कैलोग्राफी। इसमें हमें राइट आंसर बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। आप लोग जो फटाफट से राइट आंसर बता दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डेमोग्राफी कहेंगे। क्या कहेंगे? डेमोग्राफी कहेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है। इसमें हमें कीटभक्षी पौधा बताना है कि कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पे डोशेरा, और बी जो हमारा नेपथेंसिस, और सी जो एविडोनो, और डी जो हमारा हाइड्रिला। इसमें से हमें बताना है कि कीटभक्षी पौधा कौन है। ठीक है, तो आप लोग को जो है देखते हैं यहाँ पर डोसेरा जो है ये भी कीटभक्षी पौधा है, और नेपथेंसिस ये भी जो है कीटभक्षी पौधा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हम लोग क्या है वो। यहाँ पे कीटभक्षी पौधे को कीटों को खाते हैं, जो कीटभक्षी पौधे होते हैं कीटों को खाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे मांस के लिए खाते हैं, या फिर बी जो ऑक्सीजन के लिए, या फिर खनिजों के लिए, और डी जो हमारा नाइट्रोजन के लिए। इसमें हमें राइट आंसर बताना है, जो कीटभक्षी पौधे होते हैं कीटों को खाते हैं वो किस लिए खाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन के लिए खाते हैं। किसके लिए खाते हैं? नाइट्रोजन के लिए जो है वो खाते हैं कीटों को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग का, पौधे जो चट्टानों पर उगते हैं कहलाते हैं। जो पौधे हैं चट्टानों पर उगते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन यहाँ पे ऑक्सेलोफाइट, और बी जो हमारा लिथोफाइट, और सी जो हमारा एरियोफाइट, और डी जो हमारा हेलोफाइट। इसमें हमें बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का लिथोफाइट क्या होगा। लिथोफाइट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग का, एक जीव को मारना व खाना होता है, क्यों खाता है वो मारता है? क्या वो परजीवता के कारण करता है, या फिर विनाश का मन होता है उसका, या फिर परभक्षी होता है, या फिर सहजीवी होता है? तो आपको जैसे कि पता है कि जो जीव होते हैं वो मारना व खाना होता है, क्यों खाता है और क्यों मारता है? क्योंकि वो परभक्षी होगा तभी तो मारेगा और खाएगा ना, नॉनवेज होगा तो। इसी वजह से परभक्षी होता है, इसलिए वो मारता वो खाता है, उसका काम ही है ये करना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे है, छिपे हुए रंध्र किस में होते हैं। जो छिपे हुए रंध्र है वो किस में होते हैं? ऑप्शन यहाँ पे जलोद्भिद में, बी जो हम लोग का स्थलोद्भिद में, और सी जो हमारा है समुद्भिद में, और डी जो हमारा ऑप्शन नाइफाइटस में। इसमें हमें राइट आंसर बताने की राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे स्थलोभिद में। किसमें? स्थलोभिद में जो है राइट आंसर हो जाएगा। छिपुए रंध्र होते हैं स्थलोभिद में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग का, जैव अवस्था में सबसे सुपुष्ट इकाई को क्या कहते हैं। जो जैव अवस्था में सबसे सुपुष्ट इकाई होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? ऑप्शन है कोशिका, बी जो हमारे उत्तक, और सी जो हमारे अंग, और डी जो हमारे जीव। इसमें हमें राइट आंसर बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग जो है फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए। जो जैव व्यवस्था है सबसे सुपुष्ट यानी कि सुस्पष्ट इकाई को क्या कहते हैं। जो सुस्पष्ट इकाई है यानी कि स्पष्ट समझ लीजिए, सुस्पष्ट मतलब होता है कि स्पष्ट से भी ज़्यादा स्पष्ट, इसलिए सुस्पष्ट कहते हैं उसे। तो जैव व्यवस्था में सबसे स्पष्ट इकाई क्या है तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जीव। क्या हो जाएगा? जीव जो है जैव अवस्था में सबसे स्पष्ट इकाई है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे आए वो है, एक ही जाति के जीवों के सामाजिक स्थानिक संगठन को क्या कहते हैं। जब एक ही जाति के जो जीव होते हैं सामाजिक स्थानिक संगठन को क्या कहेंगे हम लोग, ये बताना है। ऑप्शन है जो स्पीसीज कहेंगे, बी जो हमारा आबादी कहेंगे, सी जो कहेंगे समुदाय, और डी जो कहेंगे व्यष्टि। तो आपको जो इसका राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आबादी कहेंगे। क्या कहेंगे? आबादी कहेंगे। सामाजिक स्थानिक संगठन को कहते हैं
आबादी, क्या कहेंगे, आबादी कहेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे, इनमें कौन सा बहुरूपता को दर्शाता है, बहुरूपता को कौन सा दर्शाता है। ऑप्शन है यहाँ पे स्पाइरोगायरा, बी जो हमारा है खजूर, और सी जो हमारा है मधुमक्खी, और डी जो हमारा है पपीता। इसमें जो हमें राइट आंसर बताना है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसको जो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का, मधुमक्खी जो है बहुरूपता का दर्शाता है। किसको? बहुरूपता को दर्शाती है, मधुमक्खियाँ जो हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, आबादी का प्रसरण किन पर निर्भर करता है। ऑप्शन है आगमन पर, बी जो हमारा बहिर्गमन पर, और सी जो हमारा स्थानांतरण पर, और डी जो हमारा इनमें से सभी। जो आबादी का प्रसरण है निर्भर किस पे करता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आपको पता है यहाँ कि आगमन पर भी निर्भर करता है आबादी का प्रसरण, और भी जो हमारा बहिर्गमन पे, यानी कि मतलब जो लोग आते हैं लोग जाते हैं, यानी कि मतलब जन्म लेते हैं मरते हैं या फिर स्थानांतरण करते हैं या फिर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो इस पर निर्भर करता है आबादी का प्रसरण किन पर निर्भर करता है। तो यानी कि इसी पर, ये तीनों पर निर्भर करता है, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हम लोग का, जैविक शक्ति का मान निकाला जाता है। जो जैविक शक्ति है उसका मान निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है, तो उसका यहाँ पे जन्म दर एवं मृत्यु दर को घटाकर, और बी जो हमारे जन्म दर एवं मृत्यु दर को जोड़कर, और सी जो हमारे जन्म दर एवं मृत्यु दर को भागफल में, और डी जो हमारे जन्म दर को मृत्यु दर से जोड़कर। इसमें हमें राइट आंसर बताने का, राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जन्म दर को एवं मृत्यु दर को घटाकर, यानी कि जो जन्म लेंगे या फिर मरेंगे या फिर जन्म में से अगर हम मृत्यु को घटाएंगे, तो उसका जो होगा मान निकलेगा, जैविक शक्ति का मान निकल जाता है। ठीक है, ठीक है। तो जितना जन्म लेते हैं उसमें से जितने मरते हैं तो उसको हम लोग घटा देते हैं, यानी कि माइनस कर देते हैं, ओके, देन हमें निकलता है जैविक शक्ति का मान निकल जाता है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग का, आबादी का स्थान होता है, जो आबादी का स्थान होता है कैसा होता है, स्पीसीज के ऊपर होता है या फिर स्पीसीज के अधीनित होता है, और सी जो हमारा समुदाय के ऊपर निर्भर करता है, या फिर डी जो हमारा स्पीसीज के बराबर आबादी का स्थान होता है। तो आबादी का जो स्थान होगा वो हो जाएगा स्पीसीज के अधीनस्थ के स्थान पर होता है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग का वो है, जन्म पृथ्वी पृथकता आवश्यक है, जो जन्म पृथकता है वो आवश्यक है। ऑप्शन है यहाँ पे, जीवों के अस्तित्व के लिए क्या आवश्यकता है, या फिर विभिन्न जातियों में सुस्पष्टता बनाए रखने के लिए, या फिर स्पीसीज के अनुकूलता के लिए, या फिर डी जो हमारा मृत्यु दर की वृद्धि के लिए। तो जनन जो पृथकता आवश्यकता होती है, तो वो जो होती है हमारी यहाँ पे विभिन्न जातियों में सुस्पष्ट बनाए रखने के लिए, इसके कारण जो है जनन पृथकता आवश्यकता होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग का, आयु रचना की रेखीय प्रदर्शन किसका लक्षण है। जो आयु रचना है, तो ऑप्शन देख लेते हैं, भूमि अपवर्धन, जो भूमि अपवर्धन, और भी जो हमारा परिस्थिति की, और सी जो हमारा जैव समुदाय, और डी जो हमारा जनसंख्या। इसमें हमें राइट आंसर बताना है कि राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जनसंख्या क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, जल धारण क्षमता अधिकतम होती है, जल धारण की क्षमता होती है अधिकतम किस में होती है। ऑप्शन है क्ले में, बी जो हमारे सैंड में, और सी जो हमारे सिल्ट में, और डी जो हमारे ग्रेवल में। तो इसमें बताना है जल धारण की क्षमता जो होती है किस में सबसे ज़्यादा अधिक होती है, तो किस में होती है, वो हो जाती है क्ले में, यानी कि जो मिट्टी है उसमें जल धारण की क्षमता जो अधिकतम होती है, तो जो जल को है वो जल्दी ग्रहण कर लेता है। कि कौन ग्रहण कर लेता है, क्ले यानी कि मिट्टी कर लेता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, वो है यहाँ पे दिख रहा है, सर्दियों के दौरान जंतु अक्रिय हो जाते हैं यह कहलाता है। जब जंतु अक्रिय हो जाते हैं उसे क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे हम लोग, वातानुकूलन कहेंगे, या फिर बी जो है हमारा शीत निष्क्रियता कहेंगे, और सी जो हमारा ग्रीष्म निष्क्रियता, या फिर अनुकूलन कहेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या कहेंगे, शीत निष्क्रियता कहेंगे, क्योंकि वो सर्दियों के दौरान जंतु अक्रिय हो जाते हैं, तो उसको शीत निष्क्रियता ही ना कहेंगे। शीत मतलब जो ठंडी में शीत गिरता है, आपको तो पता ही है,
और निष्क्रिय मतलब वो अक्रिय हो जाते हैं, यानी कि इनएक्टिव हो जाते हैं, एक्टिव नहीं रहते हैं। तो यही हो जाता है सित निष्क्रियता, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप थोड़ा सा ट्रिक्स लगाकर भी अच्छे से याद कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा सोच समझ के कि क्या आंसर होगा। अगर आपको बिल्कुल पता ना हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जो सर्दियों के दौरान जंतु अक्रिय हो जाता है, यानी कि जो शीत निष्क्रियता, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम ज़्यादा इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे चलते हैं, ठीक है। आगे हम लोग हैं यहाँ पे प्रेइंग मेंटिस होती है, एक अच्छा उदाहरण है। जो प्रेइंग मेंटिस होती है एक अच्छा उदाहरण है, किसका उदाहरण है, तो वो जो है वो हो जाएगा कॉमन फ्लैग का। किसका? कॉमन फ्लैग का जो है एक अच्छा उदाहरण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग यहाँ पे निक ओवरलैप है, जो निक है ओवरलैप है, तो किसका ओवरलैप है, दो जातियों के बीच का सहोपकारिता, और बीजों हमारे दो जातियों के बीच का सक्रिय सहोपकारिका, और सी जो हमारे समान भोजन में दो भिन्न परजीवी, और डी जो हमारा दो जातियों में संसाधन सहभोगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा निक, जो ओवरलैप है वो हो जाएगा दो जातियों से संसाधन की सहयोगी, यानी कि डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग का, किसी जीव उसके बाह्य वातावरण के अनुकूलन परिभाजन उदाहरण है, तो इसका हमें राइट आंसर बताना है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हो जाएगा अनुकूलन। क्या हो जाएगा? अनुकूलन, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी जीव के उसके बाह्य वातावरण के अनुरूप परिभाजन उदाहरण है, वो हो जाएगा अनुकूलन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का वो है, मृदा जिसका परिवहन वायु द्वारा होता है उसे क्या कहते हैं। जो मृदा है परिवहन वायु द्वारा होते, उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे जो हम लोग कहेंगे इओलियन कहेंगे। क्या कहेंगे? इओलियन कहेंगे। हमने ये वाला क्वेश्चन जो ऊपर देखा था, जैसे हम लोग इओलियन कहेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग यहाँ पे, उष्णकटिबंधीय वन में कुछ जातियाँ विलुप्त होने के मुख्य कारण क्या है। तो उष्णकटिबंधीय है, वहाँ पे वन है, उसमें कुछ जातियाँ हैं, यानी कि कुछ जानवर हैं जो विलुप्त होने के कगार पे हैं, या फिर कुछ विलुप्त भी हो चुके हैं, तो उनका जो कारण बताना है, क्या वो वनपटीकरण है या फिर वनीकरण है, या फिर सी जो हमारा प्रदूषण, और डी जो हमारा मृदा वर्धन। इसमें से हमें राइट आंसर बताना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वनीकरण, यानी कि जो वनों की कटाई के कारण जो है वो विलुप्त होने के कगार पे हैं, या फिर विलुप्त हो भी चुके हैं, तो बी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग यहाँ पे, दो भिन्न आवासों के राज्य क्षेत्र में संधि स्थान पर जैव विविधता उपस्थित करती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बॉटल नेक प्रभाव। किसके कारण? बॉटल नेक प्रभाव के कारण। तो आज का जो क्लास था वो यहीं तक का था, 50 क्वेश्चंस थे और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये जो क्वेश्चंस हैं 13 चैप्टर के हैं, और अगर आपका एग्ज़ाम जो है उसमें से 13 चैप्टर में से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, जिसका नेम जीव और समष्टियाँ है, तो आप लोग जैसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, इस ऑब्जेक्टिव को देख लीजिएगा, तो आपको जो 13 चैप्टर में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जो 13 चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, या फिर ऑब्जेक्टिव या फिर सब्जेक्टिव, तो आप लोग जो है इसमें से एक भी क्वेश्चन छूटेंगे नहीं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग जो है एक बार इसे फिर से रिवाइज़ कर लीजिएगा अच्छे से, ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। और आपको जिस भी चैप्टर में कन्फ्यूज़न हो, तो चैप्टर मतलब हम लोग ने प्ले लिस्ट बना रखा है, तो आप लोग जो प्ले लिस्ट में जाकर किसी भी चैप्टर वाइज से देख सकते हैं। आपको कोई भी केमिस्ट्री, फिजिक्स, या फिर बायोलॉजी, या फिर हिंदी, और इसमें से किसी में भी कुछ प्रॉब्लम हो, तो आप लोग जाके प्ले लिस्ट में से देख सकते हैं। हम लोगों ने चैप्टर वाइज सब कुछ रखा है। और मैं यही कहना चाहूँगी आप लोग को कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप एक भी जो है नोटिफिकेशन मिस ना कर सके। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।